एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिसिस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रैशनलाइजेशन के बेस्ड पे है और आज की इस वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन पे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15 पूछा गया है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो चलिए देखिए इसका पहला सोल्यूशन क्या होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे जहां पे लिखा गया है अंडर रूट 10 इंटू अंडर 15, तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि एन रूट ए मल्टीप्लाई एन रूट बी जब होता है तो हम उसका मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, एन रूट ए बी। बट ये तभी हो सकता है जब दोनों रूट के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई भी करते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 into 5 10 15 तो लिख ही सकते हैं। अब 10 into 15 को भी अगर इसमें हम 10 को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे हैं तो इसको हम 5 into 2 भी लिख सकते हैं और 15 को लिख सकते हैं 5 into 3 लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग जिन नंबरों का स्क्वायर बनता है या जिन नंबरों का पेयर बनता है वो नंबर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाते हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि किस नंबर का पेयर बनना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 5 का पेयर बना जबकि 2 और 3 का पेयर बन नहीं रहा है। तो जब 5 का पेयर बना, 5 को रूट से बाहर निकाल दीजिए और जिनका पेयर नहीं बनना है वो अंदर रह जाएंगे और इसका जो रिजल्ट होगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो आएगा क्या, 5 under root 6 आएगा। तो जब इसमें अगर आप आंसर चेक करेंगे कि इन 4 दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जो पहला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया वो कुछ तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसे लगाने का क्या तरीका है। तो जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपको जो बताया था ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये क्वेश्चन लगेगा। बस प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी होगी क्या कि एन रूट ए मल्टीप्लाई बाय एन रूट बी इज इक्वल टू एन रूट ए बी। अब ये एन कहाँ रहेगा ये ध्यान रखिएगा कि एन जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप चेक करेंगे यहाँ दिया गया है 5 root 6 और यहाँ 5 root 6 दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि क्या दोनों रूट के ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई दोनों रूट के ऑर्डर सेम है तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 5 root 6 into 6 और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 36। अब इसमें जो ऑप्शन जो आपको जो मिलेगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और चीजों का कॉन्सेप्ट आप डिटेल में देखते रहें क्योंकि मैं जो भी सिखाने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीजें सीख रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सीखें। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जहां पे दिया गया है द रैशनलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ 2 plus under root 3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी अगर आप रैशनलाइज मतलब आप टर्म्स ले रहे हैं जो कि अगर a प्लस बी के पार्ट में है जहां a एक रेशनल हो और b कोई इरेशनल नंबर हो लेकिन वो स्क्वायर रूट में हो, यह देखिएगा b a रेशनल नंबर और b जो है एक इरेशनल नंबर लेकिन किस किस फॉर्मेट में, स्क्वायर रूट के अगर फॉर्मेट में अगर होता है तो याद रखिएगा कि इसका जो भी रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा वह इसको मैं लगा दे रहा हूं इस तरीके से। अगर इस तरीके से है a प्लस अंडर बी के फॉर्म में है तो जब इसका जब अगर आप रैशनलाइजेशन फैक्टर अगर आपको पता करना होगा तो इसका जो भी आंसर होगा वह a माइनस अंडर बी हो जाएगा। अब जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहां दिया गया 2 plus under root 3 तो करना क्या होगा, इसका रैशनलाइजेशन जो फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 2, बट जहां प्लस है वहां पे क्या लगाना होगा माइनस और ये जो चीज जो लिखी गई है इसी को आपको ऐसे ही लिख देना है। आई होप ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर यही चीज इस तरीके से होता 2 minus under root 3 होता और इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर अगर आपसे मांगा जाता तो आप क्या बताते कि आप क्या लिख देते हैं 2 plus यानी जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे और जो चीज अंडर 3 जो दिया गया उसको आपको लिख देना है इस तरीके से और ये क्या हो जाएगा
रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरीके से आपका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसे लगाने का क्या तरीका है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भरपूर मात्रा में आप सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू अंडर 5 प्लस 2 दिया गया है और आपसे पूछा रहा है x माइनस 1 बाई x की वैल्यू, तो जो पहला जो थर्ड वाला जो था उस थर्ड वाले में यहाँ पे भी ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट रहेगा, लेकिन अब चौथे वाले क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं है कि तीन ऑप्शन आपके ए ए ए मिले हैं तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे भी ए पे टिक कर देना ये बेवकूफी होगी। तो इसको कायदे से भी आप समझे कि कैसे लगा जाएगा। तो x की वैल्यू दे दी गई है, सबसे पहले आप क्या करिए कि जब x दे दिया गया है तो 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए x इज इक्वल टू गिवन है अंडर 5 प्लस 2 दिया गया है, तो आप पहले 1/x निकालिए कि 1/x क्या होगा। तो 1/x की वैल्यू पता करने के लिए 1 और x की जो वैल्यू ये जो दी गई है इसको आप यहां पर रख दीजिए। तो जब भी डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइजेशन लगाते हैं। तो अगर आपने रेशनलाइजेशन की वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो प्लीज प्ले लिस्ट में जा करके रेशनलाइजेशन में जितनी भी वीडियोस बनी है उन्हें आप जरूर देखें और आप बेहतर तरीके से आप चीजों को समझेंगे भैया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ पे माइनस से करना होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो यही रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट मिल रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो ये आप देखिएगा कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं, ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब अंडर 5 का जब स्क्वायर कर दोगे यानी अंडर 5 का जब स्क्वायर कर दोगे उसकी वैल्यू जो होगी वो 5 आ जाएगी, बट ये दिमाग में वो स्क्वायर रूट में हो तभी, बाकी सबके साथ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जब करोगे तो ये 5 मिल जाएगा और माइनस का साइन लगाएंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी अंडर 5 माइनस 2 और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1। तो लिखूं चलो लिखूं डिनोमिनेटर यहाँ 1 कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया था, लेकिन अभी ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि x माइनस 1/x आपसे पूछा गया था तो क्या करिए जो x की जो वैल्यू है वो आप डालिए। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है अंडर 5 प्लस 2 ये है किसकी जगह पे x की जगह पे और 1/x की जगह पे, ऐसा पहले क्या करिए पहले माइनस का साइन लगाइए ब्रैकेट के अंदर करिएगा, क्योंकि अक्सर जो है आप प्लस माइनस के साइन लगाने में गड़बड़ियां करते हैं, तो गड़बड़ी ना हो ये इसके लिए जरूरी है कि ब्रैकेट का यूज जरूर करें आप। और 1/x की जो वैल्यू आप लाए यहाँ पे अंडर 5 माइनस 2 इसको आप रख दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर 5 प्लस 2 माइनस अंडर 5। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई भी 2 हो जाएगा, जहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो 2 और 2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। तो इसका जो आंसर है वो 4 है। तो दिए गए ऑप्शन में आप चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आपको मिल जाएगा। तो आपकी वीडियोस कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।